नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़ और बात करेंगे अयोध्या की, राम की नगरी की। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत पूरा शहर 10 लाख दीपक की चमक से जगमगाएगा। सरकार की अपील पर घरों, दुकानों, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल पर राम ज्योति जलाई जाएगी। योगी सरकार अयोध्या को दीयों से सजाकर अपनी दिव्य भव्यता से दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगी। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा जवानों ने मोर्चा संभाला है। सुरक्षा कर्मियों के साथ एनएसजी और एसपीजी के जवान भी तैनात हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरे राम धाम को अभेद्य बनाया गया है। तो आपको जानकारी दे दी, कल 12:20 का समय खास रहने वाला है। 40 मिनट का रहेगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। और अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी डिंपल हमारे साथ लाइव जुड़ रही है अयोध्या से, और सीधा अयोध्या रुक करेंगे। और डिंपल, देखिए अयोध्या की जब हम बात कर रही हैं तो उत्सव नजर आ रहा है, तस्वीरें बहुत खास है अयोध्या की। और देखिए डिंपल, न केवल अयोध्या बल्कि पूरे देश भर में कल महादीपावली मनाई जाएगी। फिलहाल कैसी है अयोध्या की तस्वीरें डिंपल? देखिए इंदु, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीर है राम मंदिर के द्वार के बाहर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, जहां पर ये खूबसूरत नृत्य किया जा रहा है और ढलती शाम के साथ इंतजार किया जा रहा है श्री राम के स्वागत का। बैरिकेड्स पूरे लगा दिए गए हैं। अंदर सिर्फ वो लोग हैं जो साज सज्जा का कार्य कर रहे हैं, जो लोग मजदूर हैं, जिसमें मंदिर का कार्य जो लगातार कर रहे हैं वो लोग मौजूद हैं। बाकी बाहर सिर्फ मीडिया कर्मियों को और सिक्योरिटी गार्ड को एंट्री दी जा रही है इस गेट्स के भीतर और इस गेट से बाहर भी। और देखिए पब्लिक, मैं दिखाना चाहूंगी आपको पीछे पब्लिक कितनी उत्साहित है देखने के लिए। ये जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है। जय जय श्री राम, श्री राम आ रहे हैं, कैसा? बहुत अच्छे लगे, पहला बार। जय जय श्री राम। इंतजार एक ही चीज का कि कब, जब कल रामलला आएंगे। और फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, रामलला जहां विराजित होंगे उसी मंदिर का, वही राम जन्मभूमि है जिसको लेकर सालों विवाद चला और उसके बाद विवाद सुलझा और कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद नींव रखी गई राम मंदिर की। यही वो भूमि है जहां पर श्री राम का जन्म हुआ था, श्री राम जन्मभूमि। और मूर्ति अंदर गर्भगृह में है, मूर्ति जलावास में रखी गई, फलादिवास में रखी गई, और फल में रखी गई, घी में रखी गई, अनाज में रखी गई। और अब कल 12:20 पर मूर्ति को जीवंत किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के साथ, पूजा पाठ के साथ चौपाइयां गाई जाएगी श्री राम की। और देखिए अलग अलग जगह पर लता चौक से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की है। और इन 3 किलोमीटर में जब हम लोग आ रहे थे, क्योंकि अंदर किसी भी वाहन को एंट्री नहीं दी जा रही है, मीडिया कर्मियों को वहीं से ही पैदल ही आना होता है, तो इतनी दूर जब हम आए तो हमने देखा अलग अलग जगहों पर लोक संस्कृति कार्यक्रम। जैसे मैंने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, सोचिए ये आज शाम की ये उत्सव है जो कि पूरा देश मना रहा है, तो सोचिए अयोध्या में कैसी तस्वीरें होंगी। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए लोक कलाकार जो इतनी बेहतर प्रस्तुति दे रहे हैं। और ये लगातार, क्योंकि ये शाम, ढलती शाम के साथ इंतजार कल सुबह का, कल के सूर्योदय का, जब 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और देखिए हर जगह की जो संस्कृति है वो अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है, नृत्य करके इस उत्सव को मनाया जा रहा है। और जब हम हमारे हर साल भी अपने अपने घरों में जब दिवाली मनाते हैं तो वो त्यौहार भी 5 दिन तक चलता है। पहले धनतेरस से शुरुआत होती है, उसके बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद इसी तरीके से, बस ये 5 दिन का त्यौहार नहीं था, 5 महीने से इस उत्सव की तैयारियां और जोर शोर से शुरू हो गई थी। और ये 500 साल बाद जब श्री राम वापस आएंगे, क्योंकि पुनः प्राण प्रतिष्ठा कही जा रही है, ये पहली प्राण प्रतिष्ठा नहीं, दोबारा हो रही है, जब श्री राम यहाँ पर विराजेंगे पूरी तरीके से, आम जनता को भी इंतजार है उस क्षण का जब रामलला यहाँ पर होंगे और साक्षात रूप से
जब लोग उनके दर्शन कर पाएंगे उसके बाद से जब वो मूर्ति जीवंत हो उठेगी। और देखिए लगातार तस्वीरें हम अयोध्या से पहले भी आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से अयोध्या की हर एक चप्पे चप्पे को खूबसूरती से सजाया गया है, दुल्हन की तरह पूरी तरीके से सजाया गया है। इतने फूल लगे हैं इसके अंदर और इतने फूलों से लगातार झांकी अलग अलग जगह पर सजाई जा रही है। लोक कलाकार यहाँ पर अलग अलग प्रस्तुति दे रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं। उन जगहों से आके अपने अपनी संस्कृति की झलक देके श्री राम की सेवा में अर्पण करके हमेशा से, और ये मैसेज जाएगा, ये ऐतिहासिक मैसेज जाएगा जब कल की तस्वीर, क्योंकि इतने समय से जब ये तस्वीर देख रहे थे तब लग रहा था कि वाकई कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है अयोध्या में। और ये अद्भुत तस्वीरें ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर से एक बार जिस तरीके से गेट को सजाया गया है, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी जहां लिखा गया है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आए हुए सभी भक्तों का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्वागत करता है। और स्वागत है हर उस राम भक्त का जो अलग अलग जगहों से आया है, हर वो राम भक्त जो श्री राम की सेवा में है इस वक्त और अलग अलग तरीके से सेवाएं अपनी दे रहे हैं। कोई 1000 किलोमीटर से पैदल यात्रा कर रहा है, कोई 1000 किलोमीटर से स्केटिंग पर आया है, कोई क्या कर रहा है, कोई 5 लाख लड्डू बंटवा रहा है। तो ऐसे करके सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भक्ति है। और शाम होते होते ये बात जब आप फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन से देख रहे हैं तो लग रहा है देखिए भक्तों में कितना उत्साह है, सब अपने अपने फोन में इस क्षण को कैद करना चाहते हैं। और सभी के मुंह पर एक ही बात है, सभी के मुख पर एक ही बात है, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का जय घोष जो कि लगातार अयोध्या में गूंज रहा है। और इंतजार रामलला के आने का, और आज मौसम ने थोड़ी सी जो अपनी बेरुखी थी उसको ठीक करी, और कल हो सकता है कि कल मौसम बेहतर होगा क्योंकि लंबे समय से जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे थे, तो ऐसे में कल थोड़ी सी मौसम थोड़ा ठीक रह सकता है। ऐसे में अच्छा होगा जो राम भक्त बाहर भी होंगे, जो क्योंकि मंदिर के बाहर, हालांकि ये जो पथ है जहाँ से पीएम गुजरेंगे, पीएम के जितने भी मार्ग हैं उनको सील कर दिया जाएगा, वहाँ एसपीजी का डेरा पूरी तरीके से रहेगा, वहाँ कोई नहीं आ सकता। ऐसे में जो तमाम, देखिए इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे जो साधु संत हैं इनसे भी बात करना चाहेंगे, कल रामलला विराजित होंगे क्या कहेंगे, कल रामलला विराजित होंगे क्या, भूमि में क्या कहेंगे, भूमि पर ऐसा है, ये तो विश्व वैकुंठ की धरती है, वैकुंठ की भूमि बनी हुई है जहाँ साक्षात भगवान विराजमान हैं और अब प्रकट होंगे। जन्म एक नया जन्मोत्सव मनाया जाएगा। देखिए बिल्कुल वैकुंठ की धरती है और लंबे समय का इंतजार खत्म हो रहा है, रामलला कल आ रही है क्या मैम? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आपको बयान नहीं कर सकते लफ्जों में कितनी खुशी है। आप देख सकते हैं इस शहर की कितनी दुर्दशा चेंज हो गई है और इतना लोगों में खुशी है जिसके बारे में कोई बता नहीं सकता है। कहाँ से? अयोध्या से। मैं अयोध्या से प्रॉपर यहीं रहने वाले का हूँ मैम। अयोध्या को कितना बदल दिया श्री राम? मैम बहुत ज़्यादा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी अयोध्या सोची थी पहले कभी की होगी? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था मैम। और रही बात योगी जी की, तो योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम असंभव हो पाया है। मैं अपने मतलब मेरा जन्म अयोध्या में ही हुआ है और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैम बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, तो यही बात है कि गर्व हर एक अयोध्यावासी को ही नहीं बल्कि देशवासी को भी है कि जब श्री राम का इंतजार लगातार कर रहे थे तो वही जो इंतजार है वो पूरा हो गया। और भी तस्वीरें हम डिंपल से जानेंगे, लेकिन हमारे ये सहयोगी तृप्ति भी लगातार हमारे साथ अयोध्या से बनी हुई है, वहां की तस्वीरें भी हम देखेंगे। तृप्ति, डिंपल ने अभी तस्वीरें दिखाई और तस्वीरों के माध्यम से हम ये समझ पा रहे थे कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। तृप्ति, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा उत्साह नजर आ रहा है, किस तरह से आनंदमय है, भक्त क्या कहती है वहां की तस्वीरें। आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर श्रद्धालुओं की भी कि क्या कुछ भावनाएं उनके मन में, उनके जहन में इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि महज आज की रात और कल वो दिन जिसका इंतजार सभी को था, कह सकते हैं 500 साल के इंतजार के बाद में ऐसी दीपावली मनाई जाएगी, ऐतिहासिक दीपावली मनाई जाएगी। लेकिन दीपावली तो कल मनाई जाएगी ऐतिहासिक, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में सरयू की आरती, वो आरती जिसको देखने के लिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो आते हैं, उसकी तैयारियां भी यहाँ पर हो रही है। मैं चाहूंगी मेरा कैमरा पर्सन आपको वहां की तस्वीरें दिखाए कि कुछ ही मिनट्स में जो ये आरती है वो शुरू की जाएगी, बड़े बड़े विशाल जो दिए हैं वो यहाँ पर उनकी पूरी तैयारियां चल रही है थोड़ी ही देर बाद, और उसके बाद में ये जो आरती है वो हम आपको दिखाएंगे
सरयू की आरती देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। और मैं आपको बताऊं, कल के पूरे शेड्यूल में सरयू का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सरयू माता की आरती यहाँ पर होने वाली है। और श्रद्धालुओं की बात यहाँ पर हम इंदु कर रहे थे, बात उसी पर लौटते हैं वापस कि श्रद्धालुओं के जो मन के भाव है वो लगातार हम यहाँ पर जान रहे हैं। चाहे हम सुबह यहाँ पर लता चौक पर हो, या फिर घाट पर हो, या फिर राम की पैड़ी पर हो, हर जगह हमें देश दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग यहाँ पर मिलते हैं। कुछ की आंखें नम होती हैं, कुछ खुशी के मारे यहाँ पर गाते हुए, नाचते हुए, बधाइयां देते हुए नजर आते हैं। नम इसलिए होती है इंदु, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों से हमने बातचीत की जो अपनी बातों को बताते बताते इतने भावुक हो गए कि वो अपने पिछले उस अतीत में चले गए। अतीत की तमाम यादें जो है वो उनकी उमड़ पड़ी, उन्हें वो टाइम याद आ गया जब यहाँ पर आंदोलन हुआ था, उन्होंने अपने भाइयों को खोया, वो समय को याद करते हैं और उनकी आंखें जो है भर आती हैं। फिर वो दोबारा से मुस्कुराते हैं और दोबारा उनकी आंखें नम इसलिए भी होती है कि उनके श्री राम, जिनके लिए ये पूरा आंदोलन हुआ था, जो कहा जा रहा था कि राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, और वो राम आ रहे हैं, वो तस्वीर याद करते हुए, वो दृश्य को याद करते हुए वो लोग इतने खुश होते हैं कि उनकी आंखें फिर से नम होती है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये अयोध्या की हैं। मैं जानती हूँ यहाँ पर आने के लिए हर कोई बेताब है, वो अपने घर पर बैठा टीवी स्क्रीन को देखते हुए भी यही सोच रहा होगा कि काश मैं वहाँ होता तो फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन के जरिए हम लगातार अयोध्या के जो दर्शन है वो उनको करवा रहे हैं। अयोध्या के दर्शन ऐसे कि हम यहाँ पर श्रद्धालुओं की भाव भक्ति तो दिखा ही रहे हैं, उसके साथ में क्या कुछ कोई कैसे फील कर रहा है, किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार बातचीत हम यहाँ पर उन लोगों की भी कर रहे थे जो कार सेवा में शामिल थे। लगातार बातचीत हमने उन लोगों की भी करी जिन्होंने ये बताया कि आंदोलन माफ कीजिएगा अयोध्या का कलेवर बदलने से यहाँ पर कितनी कुछ चीजें जो है वो बदली है। मैं बात कर रही हूँ जो लोग यहाँ पर बाजारों में अपनी दुकानें लगाते हैं, उन लोगों से जब मैंने बातचीत की तो एक चीज बहुत अच्छी निकल कर सामने आई कि उन्हें उम्मीद है, उम्मीद इस बात की कि जब श्री राम आएंगे तो इस जगह की और कितना विकास होगा इस जगह पर, क्योंकि अभी तक वो आए भी नहीं है और ये पूरी जो जगह है वो पूरी विकसित नजर आने लगी है। जो यहाँ पर फूलमालाएं बेचते हैं, प्रसाद बेचते हैं, छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, वो लोग इतने खुश थे, उनके चेहरे से इतनी खुशी नजर आ रही थी। और एक लाइन जो उन्होंने कही, हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि अब हमारे श्री राम आ गए हैं, कुछ गलत हमारी अवधपुरी में नहीं होगा, तो वो उनके चेहरे पर जो नजर आ रहा था। और इसके साथ ही यहाँ पर जो आरती है, सरयू आरती, वो यहाँ पर शुरू होने वाली है कुछ ही समय सरयू आरती की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और उसके बाद में मैं आपको अब बता दूँ सुरक्षा की बात। सुरक्षा की बात ऐसे कि जब हम यहाँ पर लाइव देने के लिए अभी आ रहे थे तो हमने जिस सिक्योरिटी जोन की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारी मशीनरी है जो यहाँ पर यूज़ की जा रही है, तो उन्हीं में से एक मशीनरी नाइट विजन ड्रोन हमें यहाँ पर नजर आया जो कि प्रॉपर घूमता हुआ लता चौक से पहले जो बैरिकेडिंग है वहाँ पर नजर आया। तो जो बात की जा रही थी कि यहाँ पर सेफ्टी को लेकर कोई भी चूक ना हो, इसके पूरे मेजरमेंट्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और उसी का एक प्रमाण अभी हमने देखा। NDRF और SDRF की टीमें जो है वो आज सुबह से ही यहाँ पर तैनात है। 13,000 UP पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है, 500 कमांडोज यहाँ पर तैनात है। उसके अलावा SPG के आने की बात यहाँ पर की जा रही है कि SPG भी जल्द ही यहाँ पर पूरी जगह को जो है वो कवर कर लेगी। के साथ ही यहाँ पर सेफ्टी तो पूरी है ही, और लोगों की एक अच्छी तस्वीर ये भी है कि कहीं पर भी, पूरी अयोध्या की तस्वीरें आप देख लीजिए, पर कहीं पर भी आपको एक ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी जिसमें लोग जो है प्रशासन का साथ देते हुए नजर ना आए। सारे ही लोग जो है वो बहुत खुश है, कहीं पर भी कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें वो ये कह दे, उनके चेहरे पर एक शिकन नजर आए कि भाई हमें यहाँ जाने से रोका जा रहा है, हमें यहाँ पर जाना पड़ रहा है, हमारी गाड़ी आगे नहीं आ पा रही है, कहीं नहीं ऐसी तस्वीरें, क्योंकि उनके जो चेहरे हैं वो सिर्फ एक चीज़ से खुश नज़र आ रहे हैं, राममय नज़र आ रहे हैं कि उनके श्री राम जो है वो अपने घर पधार रहे हैं, प्रशासन का पूरा साथ देते हुए लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जिंदु, अब आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर सरयू आरती जो है वो शुरू होने वाली है, और इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर मंदिर में आरती से हो भी चुकी है। जिंदु, बिल्कुल तृप्ति, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष रहा, यूं ही नहीं रामलला कल आ रही है, बड़ा संघर्ष किया, और इस संघर्ष में, इस संघर्ष के दौरान हमने देखा कि कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। और जब 22 जनवरी को 12:20 पर जब भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे तो तस्वीरें खास होगी, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे तृप्ति। लेकिन उससे पहले डिम्पल, क्योंकि हमारे साथ लगातार बनी हुई, डिम्पल हम तृप्ति से भी जानकारी ले रहे थे और जानकारी यही निकल कर आ रही है कि लगातार जो
अयोध्या नगरी के लोग हैं वो भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। कहीं पर भी ऐसी तस्वीर नजर नहीं आ रही जहां पर लोग कह रहे हैं कि प्रशासन हमें वहां जाने से रोक रहा है या फिर यहां जाने से रोक रहा है। तो बहुत खास तस्वीर है टिम्पल, और लंबा संघर्ष किया, लंबा संघर्ष में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब कल जो समय है 12:20 बहुत खास होने वाला है टिम्पल। देखिए बिल्कुल इंदू, सही बात कही आपने कि अयोध्या की बात ही कुछ ऐसी है कि यहाँ के अयोध्या वासी जो है वो भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, और खुशनुमा तरीके से किसी तरह की कोई किसी को दिक्कत ना आए इसलिए इस चीज को पूरा सपोर्ट भी किया जा रहा है। सिक्योरिटी को भी कहीं उनको मैनेज करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो भजन हो रहे हैं उसके आनंद जरा फर्स्ट इंडिया के टीवी के माध्यम से। देखिए राम मंदिर के बाहर में मौजूद हूँ, राम जन्मभूमि वहां पर। और देख जब इन द्वार पे जब इन पे काम चल रहा था, ये जो गेट है मंदिर के इन पर पहले काम चल रहा था, और अब शाम के समय में लाइट्स इसकी ऑन हुई हैं। आज पहली बार इनकी लाइट्स को ऑन किया गया है, अब तक इस पर काम किया जा रहा था। और ये भी दिखाऊंगी कि कितने सुंदर तरीके से इन्हें बनाया गया है, इतनी बारीकी से, इतना विशालकाय होने के बावजूद भी इनको इतना बारीकी से बनाया गया, इतने कम समय में इतना बेहतर काम करके दिखाया। जो भी यहाँ पर लोग काम कर रहे थे वो डबल शिफ्ट में काम कर रहे थे, सुबह से शाम तक काम और शाम से सुबह तक काम। और देखिए अंदर की तस्वीरें, मैं कैमरा साथी विनोद गोस्वामी से कहूंगी कि थोड़ा जूम कीजिए और दिखाए वो तस्वीरें भी जो अंदर की। हालांकि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं मंदिर परिसर के बाहर, और यही वो रास्ता है जो श्री राम मंदिर तक जा रहा है, श्री राम जन्मभूमि तक जा रहा है। और यहाँ से मात्र कुछ ही कदम पर श्री राम मंदिर है। और देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सुरक्षा पूरी है। लेकिन शाम के समय पर माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है और इंतजार है श्री राम के आने का। कल 22 जनवरी 2024 जिसका इंतजार हर एक राम भक्त कर रहा था, देश के कोने कोने से अलग अलग तस्वीरें कल आएंगी, दियों की तस्वीरें आएंगी, दीपावली की तस्वीरें आएंगी। लेकिन उसके साथ ही साथ जिन जिन लोगों को, इस हर हिंदू को, हर राम भक्त को जिस चीज की खुशी है देश भर में, वो उत्साह दिखाई देगा। लेकिन अयोध्या में तस्वीरें ज्यादा खास होंगी क्योंकि अयोध्या वासी इंतजार कर रहे थे श्री राम जब उनकी भूमि पर आएंगे, क्योंकि वो श्री राम जन्मभूमि है जहां श्री राम ने जन्म लिया। और सिक्योरिटी लगातार देखिए ये जो व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद तरीके से, यहाँ पर पुलिस यहाँ पर तैनात है, जवान यहाँ पर तैनात है, ताकि क्योंकि राम मंदिर जिसको लेकर इंतजार किया जा रहा है, बहुत बड़ा इवेंट, देश भर की नजरें जिस पर होंगी, ऐसे में सुरक्षा लाजमी भी हो जाती है, जरूरी हो जाती है। तो ऐसे में जितना भी यहाँ पे सुरक्षा बल है वो बाहर इंतजार कर रहा है। कल तक का हाई सिक्योरिटी मोड पर पूरी अयोध्या है इस वक्त सजा दिया गया है, और कल के त्योहार का, कल के उत्सव का इंतजार किया जा रहा है। कल का सूर्योदय वाकई सबके लिए ही एक नई त्योहार की, एक नई खुशखबरी, एक नई खुशी की लहर लेकर आएगा जब रामलला विराजित होंगे। और देखिए अंदर की तस्वीरें हमारे कैमरा साथी विनोद गोस्वामी आपको दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें वो परिसर जहां पर श्री राम भव्य मंदिर बना है, और यही वो परिसर है जहां पर लंबे समय से काम चला, क्योंकि ये वो मंदिर है जो हाईटेक भी होगा, विशालकाय भी है, हाईटेक भी है और बेहद खूबसूरत भी है। इनमें जिन जिन चीज़ों का उपयोग किया गया है, चाहे वो पत्थर का हो, कलाकृतियों का हो, तस्वीरों का हो या फिर मूर्तियों का हो, बहुत ही सोच समझकर किया गया है। जब कलाकारों को तीन मूर्तिकारों को राम मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति जो सबसे ज़्यादा भावपूर्ण होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा देवत्व होगा, 5 वर्षीय श्री राम की मूर्ति का चयन हुआ और श्याम रंग की प्रतिमा का चयन हुआ। और कल, क्योंकि अभी तक जितने भी पूजा अनुष्ठान है उसके किए जा रहे हैं, उनको रखा जा रहा है, लेकिन कल वो प्रतिमा जीवंत हो उठेगी जब साक्षात श्री राम लला जब यहाँ पर विराजित होंगे अयोध्या में, जिसका इंतजार सिर्फ अयोध्या वासी नहीं, आप नहीं, हम नहीं, बल्कि पूरा देश कर रहा है। फिर से एक बार मैं उस गेट की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी जहां से शुरू होता है श्री राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि परिसर में जाने का रास्ता। और यही देखिए लगातार जो ये माहौल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो भीड़ है
मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर लगातार इकट्ठी हो जा रही है। हालांकि पब्लिक में अलग उत्साह है कि देखें एक झलक हमको भी आगे आने दिया जाए, लेकिन सिक्योरिटी की अपनी मजबूरी है, सिक्योरिटी पूरी कड़ी रखना जरूरी है। तो ऐसे में लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, सिक्योरिटी पूरी कोशिश कर रही है कि, लेकिन अयोध्या वासी जैसे भी आपने पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा कई जगह होता है कि जिस तरीके से उत्साह सभी को होता है लेकिन वो भावुक हो जाते हैं इतना ज्यादा कि भीड़ भाड़ धक्का मुक्की हो जाती है, लेकिन अयोध्या वासी इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत सिक्योरिटी को नहीं आ रही है, उनको मैनेज करने में बहुत ही शांति से इंतजार कर रहे हैं कि राम तो हमारे और बाकी जो देश के कोने कोने से आएंगे उनके लिए जरूर थोड़ा सा स्ट्रगल होगा जब वो यहाँ पर आएंगे श्री राम के दर्शन करने के लिए लंबी दूरी तय करके, लेकिन जो अयोध्या वासी है उनको इस चीज से निश्चिंत है, वो उनको ये चीज पता है मन ही मन कि कल के समारोह के बाद श्री राम उनके ही हैं, यही होंगे, रोज वो आएंगे मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, आ सकते हैं। और भक्तों से जरा और बात करेंगे, कैसा लग रहा है श्री राम? सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लंबे समय का जो इंतजार था वो खत्म। हम अमृतसर पंजाब से आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, एक हफ्ते से आए हैं यहाँ, एक हफ्ता बाद जाएंगे, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है, और कैसे मनाएंगे इस उत्सव को, किस तरीके से? 500 साल पहले तो दीपावली बनी थी, अब की बार उससे बड़ी दीपावली होगी। अब तो अपने दीवे महिलाएं कुछ मौजूद है, क्या कर रही है, कैसे मनाएंगे श्री राम के आने के? दीपक जला के बहुत अच्छे मन से हरियाली सजा के राम जी का भय करके जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? सब बहुत अच्छा लग रहा है, सब दीपावली पूरी सजाई हुई है। देखिए भक्तों की उमंग है, और वाकई कहते हैं भक्त बिना भगवान अधूरे, और वाकई जो भक्तों की आस्था है यही देखकर लगता है कि भावुकता दिखाती है कि इंतजार सभी को था इस पल का, इस क्षण का। जब पहले जब श्री राम आए थे तब भी अयोध्या को इंतजार था, अयोध्या सजी थी पूरी तरीके से, और जब दूसरी बार 500 साल बाद लंबे संघर्ष के बाद, पहले संघर्ष था और अब वो सपना पूरा होने जा रहा है, वो इंतजार एक तरीके से जो उम्मीद थी वो पूरी हुई है हर राम भक्त की। और सिर्फ यही नहीं, मैं सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर रही हूँ, चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया चैनल्स की बात करें, अखबारों की बात करें, हर जगह इंतजार हो रहा है कि 22 जनवरी 2024 जब 12:20 पर रामलला यहाँ पर विराजित होंगे। और वाकई इसका संघर्ष भी पुराना है, इतना विवाद वाद विवाद होने के बावजूद और जीत हुई राम भक्तों की, राम भक्तों को उपहार मिला जब श्री रामलला के विराजित होने की, उनको लगा कि यहाँ पर श्री राम आएंगे। और देखिए ये जो भक्त हैं, ये जो मंडली है यहाँ पर आई हुई है, और ये लगातार प्रस्तुति कल भी आपको देखने को मिलेगी अलग अलग जगहों से, ना कि सिर्फ राजस्थान बल्कि हर जगह से यहाँ पर लोग आएंगे, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो। बिल्कुल टिम्पल, क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा खास है और ऐसे में तृप्ति भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही है। तृप्ति आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से टिम्पल ने भी हमें तस्वीरें दिखाई, एक दिन का वक्त अभी बचा है लेकिन सुबह से शाम हो गई और श्रद्धालु अभी तक वहीं पर नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु के अंदर भाव बहुत अलग है, आनंदमय नजर आ रही है, उत्साहित नजर आ रहे हैं। तृप्ति मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं वो इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि आज उन्हें नींद भी आने वाली है, क्योंकि श्री राम जो है वो अपनी नगरी है, अपने अयोध्या में पधार रहे हैं। और मेरी सहयोगी ने बहुत सही बात कही कि इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 14 वर्ष के बाद में वनवास काट कर राम श्री राम अपनी नगरी में आए होंगे तो क्या उल्लास रहा होगा, क्योंकि जितने भी लोगों से हमने बातचीत की कि इस नई अयोध्या को देखकर आपको कैसा लगता है, तो उनका सिर्फ ये कहना था कि इस नई अयोध्या को देखकर लगता है मानो कि जो कल्पना की थी हमने कि श्री राम की अयोध्या ऐसी थी, श्री राम की नगरी ऐसी थी, जब वो यहाँ रहा करते होंगे, उनकी बाल लीलाएँ यहाँ होती होंगी, जब सारी चीज़ें यहाँ हुई होंगी, तो वो जो त्रेता युग की अयोध्या थी वो ऐसी थी जैसी कि अभी बनी है। इसको एक और तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँ तो आधुनिक अयोध्या भी मैं इसको कह सकती हूँ कि आधुनिक अयोध्या इसलिए कि जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें नजर आ रही है मॉडर्न भी है और पूरी की पूरी भावनाओं से जुड़ी हुई भी है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम लगातार बातचीत करते हैं तो एक चीज़ तो साफ तौर पर समझ में आती है कि अयोध्या आने का जो सपना है आज, मतलब 22 तारीख का जो ये सपना है वो हर किसी का है। और ऐसा नहीं है कि जो घर पर बैठे हैं वो उत्साहित नहीं है, जो घर पर बैठे हैं वो भी उतने उत्साहित हैं। ये
हमें नजर आ रहा है उनकी बातों से, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, या फिर मीडिया चैनल्स के सामने से नजर नहीं हट रही किसी की भी, या फिर मैं बात कर लूँ जो अयोध्या में लोग आए आप उनसे बातचीत कर लीजिए, जो एक फैमिली यहाँ पर आ रही है तो उनके रिलेटिव्स जो है उनको लगातार फ़ोन करके वीडियो कॉल करके यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो मांग रहे हैं, वीडियो कॉल करके देखना चाहते हैं कि आखिर अयोध्या कैसी सजी है, आखिर अयोध्या लग कैसी रही है, उनकी श्री राम की नगरी किस तरीके से उनके इंतज़ार कर रही है, उनके इंतज़ार में यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ये सारी तस्वीरें हर कोई चाहता है कि वो देख पाए, लेकिन सभी का आना संभव नहीं है, इसलिए अपने अपने ज़रिए वो यहाँ की तस्वीरों को देख पा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, हर जगह, और जो यहाँ पर लोग आ चुके हैं वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं, और सच में वो सौभाग्यशाली है कि उन्हें ये तस्वीरें अपनी आँखों में कैद करने का जो है वो मौका मिला है। मैं बात कर लूँ अयोध्या के उन मुख्य मार्गों की जिन पर बैरिकेडिंग और सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन वहाँ पर रुकी हुई चाहे 100 गाड़ियाँ लाइन में क्यों ना हो, उनमें से एक भी गाड़ी जो है वो आपको हॉर्न बजाती नजर नहीं आएगी, किसी दूसरे को परेशान करती हुई नजर नहीं आएगी, और यही खास बात है श्री राम की नगरी की, इस अवधपुरी की यही खास बात है कि जो यहाँ के इंसान है, जो यहाँ के आमजन है, उनके दिल भी यहाँ की तरह ही विशाल है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं इतनी अच्छी तस्वीर कहीं से निकल कर सामने नहीं आती कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो और पुलिस को मेहनत ना करनी पड़े या पुलिस को कोई भी बैरिकेडिंग पर खड़ा ऐसा ना होना पड़े कि कोई आगे ना जाए, हर कोई उनकी सहायता करता हुआ नजर आ रहा है, हर कोई उनसे बातचीत करता हुआ नजर आएगा, कहीं पर भी ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही जिसपे वो उनसे लड़ रहे हो कि भाई हमें जाने दें, चाहे वो किसी संस्था से जुड़ा हुआ हो या फिर अयोध्या का लोकल इंसान हो या फिर कहीं किसी देश के कोने से यहाँ पर आया हो, और इसका सिर्फ एक ही वजह है, इसकी सिर्फ एक वजह है कि अपने श्री राम की नगरी में सभी लोग उनका वंदन करने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं, कल श्री राम यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे तो उसको लेकर सब इतने उत्साहित है, इतने खुश है कि शायद वो भूल गए होंगे कि इन चीज़ों पर कभी लड़ाई भी हुआ करती है कि ट्रैफिक जाम होता है तब हॉर्न भी बजाए जाते हैं, नहीं, सभी यहाँ पर सिर्फ एक चीज को लेकर बैठे हैं, और वो यही है कि उनके श्री राम जी अयोध्या। आपने तस्वीरें दिखाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिंपल आपने भी तस्वीरें दिखाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नहीं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक प्यारे सी भजन के साथ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भात को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें सिखला दे, भात भात को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें सिखला दे, नर जय रघुनंदन जय सिया राम।